नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में जो EPS 95 के सदस्य ने जो है वो 7 नवंबर के दिन जो आंदोलन करने का इशारा दिया है, तो इसी के रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है दोस्तों कौन सी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, तो इसके बारे में जो है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके बारे में जो है वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले अपडेट है इसी रिलेटेड तो वो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके बारे में अभी हम डिटेल में जानते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो EPS 95 के सदस्य है उन्होंने जो आंदोलन करने की बात बताई है 7 नवंबर के दिन को, तो उसी के बारे में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोस्तों वो बुलाई गई थी। और यहाँ पर कमांडर अशोक राउत जी ने जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो चलिए दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन है अभी हम इसको डिटेल में जानते हैं। शासनाकडे सुमारे 18 ते 20 लाख रुपये पेन्शन फंडात असताना आपल्या सेवा काळामध्ये पेन्शन साठी अंशदान करूनही EPS 95 पेन्शन धारकांना अत्यल्प पेन्शन मिळते, या अन्यायाविरोधात वेळोवेळी आंदोलने करूनही झोपेचे सोंग घेतलेल्या शासनाने याकडे लक्ष न वेधल्यामुळे भर दिवाळीच्या दिवशी भारतभर खासदार कार्यालयासमोर अर्धनग्न अवस्थेत EPS पेन्शनर उपोषण आंदोलन करणार आहे, याची माहिती यांनी यावेळी दिलेली आहे। 5 नवंबरला EPS पेन्शन धारकांच्या वतीने या आंदोलनासंदर्भात एक पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी राष्ट्रीय सल्लागार PN पाटील, महासचिव वीरेंद्र सिंग राजावत, समन्वयक विलास पाटील, जनार्दन भावसार, सुधीर चांगडे, TR गवई आदींची प्रमुख उपस्थिती होती। EPS 95 पेन्शन धारकांना सेवा काळामध्ये पेन्शन साठी अंशदान करूनही 2 ते 2.5 हजार रुपये पेन्शन मिळते, प्रत्येक पेन्शन धारकाचे शासनाकडे सुमारे 18 ते 22 लाख रुपये पेन्शन फंडात असताना वृद्धापकाळी मिळणारी ही अत्यल्प पेन्शन आहे। भारतीय जनता पक्ष सत्तेत असल्यास 90 दिवसांमध्ये ही मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन तत्कालीन प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर यांनी पेन्शन धारकांना दिले होते, मात्र आतापर्यंत या प्रश्नावर राजकीय पक्ष, विविध उद्योगातील श्रमिक संघटना व शासनाने डोळेझाक केली आहे। त्यामुळे वृद्धापकाळातही EPS 95 पेन्शन धारकांनी विविध प्रकारची आंदोलने करूनही शासनाची संवेदना जा त्यामुळे अपहाराची लढाई म्हणून शासनाच्या असंवेदनशीलतेविरुद्ध भारतात प्रत्येक खासदाराच्या घर किंवा कार्यालयासमोर 7 नोव्हेंबरला सकाळी 11 वाजता अर्धनग्न अवस्थेत लक्षणीय उपोषण करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला। सदर आंदोलनाची खासदारांनी दखल न घेतल्यास भारतातील 28 राज्यांमधील अल्प पेन्शन धारक दिल्ली येथे जंतर मंतर मैदानावर भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय समोर 4 डिसेंबर पासून हजारोंच्या संख्येने आमरण उपोषणाला बसणार आहे। शिवाय 7 डिसेंबरला सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशाराही यावेळेला देण्यात आलेला आहे। या पत्र परिषदेत EPS पेन्शन धारक JJ गरगल, SN बेरावर, AN सुरोष, BS कायंदे, AB पाटील, SV गवई, AN इंगळे, SN सोमवंशी, DC रामेकर, अशोक जाधव, नामदेव वाघ, चंद्रकांत पाधरकर, सुभाष पाटील, DL बोर्डे, BR जहागीरदार, VV गोरी, VP गोमशे, AL काळे, BB चव्हाण, AP पळसकर, AR आराक, AS एन घट्टे, नारखेडे JJ, मछडे कावडे, नारखेडे मिटकरी, खर्च आदींची उपस्थिती होती। तो यहाँ पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जितने नाम अभी मैंने यहाँ पे बताए, तो उन सब की जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रेजेंस यहाँ पे इन्होंने दिया था। तो यहाँ पर जो है वो इस आंदोलन के बारे में कुछ डिटेल अपडेट दिया गया था, और साथ में जो 4 दिसंबर को जो जंतर मंतर कार्यालय है दिल्ली में, तो वहां पर भी जो है वो EPFO का जो ऑफिस है उसके सामने जो है वो ये जो आमरण उपोषण की बात यहाँ पे की गई है, तो इसके बारे में भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और आगे भी इसी तरह के अपडेट जानने के लिए जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो इसके रिलेटेड अपडेट है वो आपको टाइम पे मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।